अध्याय दो। इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है कि मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूं, और ये भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सुचेत कर कि तू कहां से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। पर हां, तुझमें ये बात तो है कि तू निकुलइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। जिसके कान हों वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। और स्मुरना की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वो ये कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हों वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। और पिरगमुन की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास दो धारी और चोखी तलवार है, वो ये कहता है कि मैं ये तो जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है, और मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम में उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहां कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहां कितने तो ऐसे हैं जो निकुलाइयों की शिक्षा को मानते हैं। सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हों वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। और थुआतीरा की कलीसिया के दूत को ये लिख,
परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं, ये कहता है कि मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है, और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाना सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मद फिराने के लिए अवसर दिया, पर वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे खाट पर डालता हूं, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा, और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, और तब सब कलिसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से, जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, ये कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा, पर हां, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वो लोहे का राज दंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हों वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है।